आपको बता दीजिए हमको हमसे क्या प्रॉब्लम, मतलब कोई भी बात समझने की कोशिश करो हमसे, तो घुमा फिरा के यही कर देंगे, बताओ हम आपको पसंद है कि नहीं। तो हम बोले बिना पसंद के आप हमारे घर में आए हो। क्या नाम है आपका? क्या आज घटना हुई है? हमारे सामने तो यही हुआ है, हम जब आए मतलब हम बारात देखने गए थे तो वहाँ पे हमको पता चला कि कुछ हो गया है, जब डीजे बंद करवाए सब लोग कि डीजे बंद कर दो, कुछ हो गया है। तो हम सोचने लगे क्या हो गया, हम सोचे किसी का एक्सीडेंट हो गया सड़क है। तब फिर बाद में हमसे सब लोग पूछने लगे, मतलब सब लोग थी साथ में हमारे फ्रेंड लोग, बोले क्या हुआ सुषमा? हम बोले कि जहाँ आप हो वहीं हम भी हैं, हमको क्या पता, हम भी बराती देख रहे हैं। तो वो बोली कि तुम्हारे ही घर, कोई और बोला कि तुम्हारे ही घर पे कुछ हुआ है। तब हम वहाँ से मतलब अपने घर पे पहुँचने वाले थे तो हम पीछे थे, तो बोली तुम्हारे ही घर पे कुछ हुआ है। तुरंत हम भागे, हम कहे क्या हो गया, तब देखे हमारे घर पे भीड़ लगा था, सब लोग रो रहे थे, भैया हमारे बैठ के रो रहे थे। हम बोले क्या हुआ, तो हमारी एक पड़ोसन बुआ है बोली कि तुम्हारा बाबू टंकी में था और रवि गया लेके आया है, तुम लोग कहाँ थे? भैया जा रहे थे बराती, तब सोचे ही बराती तो वो कहे कि जाओ भैया के खिला ले, जब एक बार खिला ले तब उसके बाद बराती जाए। तब जब ये आए देखे तो मीठी मीठी करने लगे, तो मीठी बोले ना तो पानी वानी ला के चिट्टा मारे होंगे, हम तो नहीं देखे। तब उसके बाद कहें बाबू कहाँ, कहीं हमको नहीं पता, तो कहीं मम्मी गिमटी पड़ते यहाँ आओ, हम आए तो हम देखे बाबू नहीं था। जब तंग जब छत पे गए हेरने लगे, बक्सा उक्सा खोल के वॉशिंग मशीन वशीन कहीं नहीं था, तो जब ऊपर गए छत पे टंकी नहीं था, तो मर गए। हम जा रहे थे सुबह कढ़ाई चढ़ाने के, सारा सामान जुआया था टाटा पिसा के, हम तब से मानते ही माने के तिवारी यहाँ भर्ती था, आईसीयू में बीमार था बच्चा हमारा, तब से हम दवाई करा रहे हैं, लखनऊ दवाई करा रहे हैं। लखनऊ लेके जाना था दिखाने के लिए, 2-3 लाख रुपए उधार हो गए दवाई में, कर्जा काट काट के करा रहे। तो क्या आपको लगता है कि क्या लगता है? लगता है इन्हीं का काम है। किसका काम है? इन्हीं बहू का। अच्छा, कुछ भूत प्रेत का साया भी बता रही हैं वो? कुछ भी नहीं है वो, उनके माता जी आ रही थी तो कह रही थी कि जो है घर में भूत है, हम नहीं जाएंगे ससुराल तुम्हारे घर में, तो हम पूजा वूजा भी कराने जा रहे थे कि चलो ठीक है आ जाओ, हम चलो पूजा भी करा देंगे, पंडित से कह रहे थे पूजा कराने के लिए। क्या कैसे हादसा हुआ हम देखे नहीं है, लेकिन 100% हादसा इसी का हाथ है सर। किसका? हमारी बहू का, क्योंकि हमारे घर में कोई जा ही नहीं सकता, जब पीछे ताला लगा है, ऊपर से ताला लगा है, तो ताला अंदर से कौन खोले, और ये बार बार धमकी भी देती है। लेकिन हम सोचते हैं थे कि भी बच्ची है, नादान है, चलो भी इसका दिमाग जो है बच्चा हो जाएगा, बच्चा सही हो जाएगा, इसका दिमाग बच्ची में जब रहेगा तो इसका भी दिल बहला करेगा, समझाते थे। प्रकरण है, ये गाँव का नाम है महावीरनपुर, वहाँ पर एक 5 माह का बच्चा था जो छत पर, अपने ही छत पर पानी के टंकी में मृत पाया गया। उस पर तहरीर प्राप्त हो गई है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, क्योंकि वो नॉमिनेटेड नहीं है इसलिए साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो अन्य विधिक कार्रवाई होती है पोस्टमार्टम की, वो कार्रवाई की जा रही है। किसी की गिरफ्तारी वगैरह हुई नहीं, चूंकि अभी अज्ञात में लिखा गया है और अज्ञात में होने के कारण थोड़ा सा समय लगने की वो है, लेकिन जल्द से जल्द हम लोग इसका अनावरण करेंगे।